वासिद भाई, अभी हमने इससे पहले पूरी सीरीज चलाई कि वो सिलेक्शन के हवाले से कौन क्या कह रहा है. सो वही बात जो मैंने ब्रेक से आने पहले की, आप क्या समझते हैं भाई, ये ठीक है कप्तान को इख्तियार देना चाहिए? ऑफ कोर्स हतमी इख्तियार ना भी हो तो एक अच्छी सेव है उसकी, और फिर उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए कि भाई अच्छा है बुरा जो भी है, कोई भी कप्तान हो. ग्राउंड में कौन लड़ाता है टीम को? जाहिर है वो तो पावर देनी चाहिए, सीधी सी बात है. सही है, कोई भी कप्तान हो. मैं थोड़ा सा दो बातें करना चाहूंगा. एक तो हफीज ने जो बात बोली ना, हफीज ने बहुत सारी चीजें छुपा दी. अच्छा, हफीज उस मीटिंग में मौजूद था. किस मीटिंग में? जो क्रिकेट कमेटी में थे ना ये, ठीक है, उसमें कोचेज भी थे, कप्तान भी था, सिलेक्टर्स भी थे, और लड़कों पे डिबेट हुई थी. अच्छा, वहाँ पे हफीज ने आर्गुमेंट करे तो हफीज को बोला गया आप ये बैठ जाएं, ये हमारी टीम है. किसने बोला? बोला वहाँ पे मिकी आर्थर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बोला कि हम इस टीम से सेटिस्फाइड हैं. ओके, तो बोला आप किस तरह सरफराज को भाग कर सकते हैं? हफीज ने कहा जी, किस बेस पे हारिस आया है? अच्छा, उसको जो बातें सुनाई गई है उसके बाद उसने उस दिन रिजाइन करा है. ये मैंने बात पहले भी प्रोग्राम में बोली थी कि वो आप लोगों की आंखें खोलने के लिए वो जो रिजाइन था ना, किसी ने ध्यान नहीं दिया. अब मिकी आर्थर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ठीक है, कि हम सबसे गलतियां हुई, वी आर लर्निंग. और खासर बाबर के वाले से सवाल, ये अगले अगले जो है ना अभी अपना ऑस्ट्रेलिया टूर जो है उसके लिए ये चाहते हैं कि हमें और मौका मिले. ये मैं हाथ जोड़ लूं, अल्लाह के वास्ते मत दीजिएगा, जो भी चेयरमैन है जिसके पास भी पावर है चाहे वो वजीर आजम हो, अल्लाह के वास्ते इन्हें पावर मत दीजिएगा. अगर ये चले जाएंगे तो इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा नुकसान करेंगे. पहली चीज, आज कल रात को क्या बात हुई, 270 रन से मैच जीतना है ना जी, 287. मिसाल दे रहा हूँ, आज आपने चार बॉलर खिलाए, किसी ने कोई बात नहीं करी कि चार बॉलर क्यों खिला रहे हो जब आउट करना है 100 से पहले. जब आपने 400 रन करने, हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और शदाब, पांचवा बॉलर कौन था? इफ्तिखार तो 10 कराने दे, और आगा सही सलमान. तो ये अप्रोच है, मतलब ये क्या भाई, ये मिर्चे लाओ हमारी आंखों में डाल दो. अगर आपने आउट करना है 100 से पहले गो फॉर स्पेशलिस्ट, या पाकिस्तान आवाम को बेवकूफ बना रहे, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे. तकलीफ दे बात है, हम लोगों ने हॉकी या फुटबॉल नहीं खेली है. मरहूम अब्दुल कादिर भाई लेजेंड हमारे बोलते थे, हमने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है लेकिन इस मुल्क के लिए खेली है, मुल्क से नहीं खेला हमने. अच्छा भाई, यू डिसएग्री? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इसके ऊपर करना चाह रहा था कि कप्तान के ऊपर ना देखें, बाकी टीमें भी हैं दुनिया की, सही है, उसमें तो ये नहीं होता यार, कोई डिबेट ही नहीं होती कप्तान की पावर की नहीं. ये पाकिस्तान में चलता आ रहा है 92 या उससे पहले जो वर्ल्ड कप हुए, वहाँ पे हमारे जो कप्तान थे, मतलब हमारे भी आइडियल थे जब हम यंग थे, इमरान खान, सही है, तो उनका ये एक स्टाइल था कि जी वो डोमिनेट करते थे सिलेक्शन पे भी और सारा, वो कहते मैं टीम बनाता था. लेकिन अब दुनिया इवॉल्व कर गई है, आपको एज ए टीम चलना होता है, ठीक है, आपके पास टीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिलेक्शन कमेटी, डायरेक्टर क्रिकेट, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर, ये चीज़ें सारी होंगी. कप्तान से आप लोड उठाएं, उस टाइम पे बहुत कम क्रिकेट होती थी, अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट है. कप्तान सिलेक्शन भी देखे, कप्तान यू नो ये भी देखे कि हमारे प्लेयर लोड कितना ले रहे हैं, उनका लोड मैनेजमेंट भी कप्तान देखे. तो ये चीज़ें जब कप्तान बहुत ज़्यादा पावर लेता ना, फिर ये हर चीज़ हर प्लेयर भी ना कप्तान को अप्रोच करता है. हमारे पास ऐसे लोग नहीं है, ऐसी अपॉइंटमेंट्स हमने ऐसी नहीं की हुई जिसपे जाके वो उसकी तरफ जाए बजाय कि कप्तान की तरफ आए. कप्तान से आजकल प्रेशर उतारा जाता है, ना कि कप्तान पे प्रेशर डाल के आज हर चीज बाबर पे आ रही है. अगर आपने ये डिवाइड किया हो, ये अगर ना होता तो ये बहस नहीं होती कि जनाब आपने एक बंदे को इख्तियार दिया नहीं, आपसे जिम्मेदारी मांग रहे हैं, पहले पावर तो दो फिर उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओ ना. समटाइम आपको इख्तियार की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हो तो कप्तान को क्यों इख्तियार की जरूरत है? क्या उसने अपने किसी दोस्त को खिलाना है या किसी रिश्तेदार भाई चाचे मामे के बेटे को खिलाना है उसने? शायद भाई शायद आप मेरी आवाज आ रही है. अगर मैं ये पूछूं, आज के तक माइंड अप करते हैं, कल भी इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे कि अब आपके ओपिनियन में यहां से अगला पहला काम क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं हमें तो याद पड़ता है अभी थोड़ा टाइम बाद जो है ना शुरू हो जाएगा, और जी हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वो फिर पता नहीं क्या होता है वर्ल्ड कप आता है, क्या करना चाहिए, थिंग्स टू डू? हाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया का टूर तो बहुत मुश्किल है. आप दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन कोच ले आए, पाकिस्तान तीनों टेस्ट हारेगा, दो इनिंग से हारेगा, ये मैं भी आपको बता रहा हूं, जो मेरा अपना वर्ड.
तीनों टेस्ट मैच हारेगा, तो अभी मिकी आर्थर एंड कंपनी को जाने दें। जैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया का टूर खत्म हो, आप न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए अपना कोई कोच लेके आए। न्यूजीलैंड में हमारे 5 T20 है और फिर 6 महीने रह जाएंगे, 5 या 6 महीने के जून में T20 का वर्ल्ड कप है। T20 की हमारी अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करें, अच्छे कोच सेलेक्ट करें और T20 का वर्ल्ड कप बेहतरीन तरीके से खेलें। और आप फाइनल कमेंट इसमें मैं कहना चाहूंगा, जो भी करे, जो टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये बेशक मुश्किल होंगे, जो भी है टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, इसको आप लाइटली ना लेंगे। ये टेस्ट सीरीज एक बैलेट शायद कह रहे हैं इनिंगों से हारेंगे। कामरन भाई देखे हार, अब हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया टूर को ऐसे ही गुजारते जाएंगे कि जीतना नहीं है, ठीक है, हम लोग भी गेंद नहीं जीते, लेकिन एक रिवायत तो रखनी है ना जीतने की, ये तोड़ना तो है ना हम लोगों ने। अच्छी एग्जांपल्स को फॉलो किया है, बिल्कुल आप टीम की बात कर रहे हैं, आप देखें कि टॉम लैथन टीम इधर लेके आया, 5 ODI मैच खेला, क्या उसने मीडिया पे आके कहा कि मेरे वो 8 प्लेयर नहीं है, IPL में चले गए, मेरी टीम को नुकसान हुआ, हम हार गए हैं। प्रोफेशनल टीमें एक्सक्यूज नहीं देते, अपने बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। हमारा कप्तान गया शदाब बन के, तो वो कह रहा है आप लोगों ने तो बात की थी, अब आप याद कर रहे हैं अपने कप्तान को। तो ब्रेक लेते हैं, इसमें ब्रेक लेंगे, फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता हूं। सोच आएगी आपकी टीम में ऐसी लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे।